मेरा नाम अरमान अहमद है. आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर द पास्ट डेकेड. आई रन माय ओन सेटअप कॉल्ड द ग्लास हाउस वेयर वी प्रोवाइड थेरेप्यूटिक सर्विसेज टू यू नो आवर क्लाइंट्स. आई एम ऑल्सो अफिलिएटेड विद एन एकेडेमिक इंस्टीट्यूट एज द हेड ऑफ द काउंसलिंग सेंटर देयर एज वेल. सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई विल बी शेयरिंग हियर टुडे आर इनसाइट्स टेकन फ्रॉम माई वर्क विद द इंस्टीट्यूट. मैं आज बुनियादी तौर पर तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था जो कि मुझे लगता है कि आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन हैव कम टू द फोर और लगता है कि यू नो नीड्स टू बी हाईलाइटेड. वी हैव ऑलरेडी गॉन ओवर व्हाट बुलिंग इज़, क्या इसके असरात होते हैं, मुज़िर असरात भी और बुलीज़ के लिए भी और जो परपेट्रेट कर रहे होते हैं बिहेवियर उनके लिए भी. लेकिन कुछ चीज़ें जो आफ्टर हैविंग दिस डिस्कोर्स सारा जब से ये तस्करा शुरू हुआ है उसके बाद से जो दिव कम टू लाइट मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है विद मैसेजेस रिगार्डिंग दिस इज़ वेल. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम टुडे. पहली चीज़ ये कि आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे दौर में तो बुलिंग होती थी, रैगिंग भी होती थी एंड दैट वाज जस्ट नॉर्मल पार्ट ऑफ यू नो इंस्टीट्यूशनल कल्चर. हमारे स्कूल में होती थी, कॉलेज में होती थी, यूनिवर्सिटी में तो सब करते थे, सबके साथ होती थी और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं थी. दिस जस्ट टफन्ड अस अप एंड गॉट अस रेडी फॉर रियल लाइफ. तो मेरा जवाब उन लोगों के लिए ये है कि दे वेरी लकी दैट दे गॉट ऑफ स्कॉट्स फ्री, क्योंकि वो आउटलायर्स हैं. वो उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे अलॉट इज़ हैपन टू देम, लेकिन उनकी इमोशनल रेगुलेशन एबिलिटीज़, इमोशंस की निगहदाश्त करने की जो सलाहियत है, सकत जो है उसमें कमी नहीं आई, इजाफा हो पाया है. और ऐसे होता है जब भी हम मुश्किल सरकमस्टांसिस में हमें धकेला जाता है तो रेजिलियंस पैदा होती है. इस तरह मैंने बोला, सकत और लचक हमारी जो है उन चीज़ों के साथ जूझने की बढ़ जाती है. लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग सफ़र भी करते हैं और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल लिटरेचर हियर, कि जो कोई भी बुलिंग बिहेवियर्स हुएवर इज सब्जेक्टेड टू इट, मुज़िर असरात उसके इमोशनल भी और फिजियोलॉजिकल भी यानी कि फ़िज़िकल भी जो हैं जिस्मानी तौर पर भी मुरतब ज़रूर होते हैं. अब पुरानी शायद जनरेशन में हमारे पास, इस तरह मैं हमेशा बोलता आया हूँ, शायद इस तरफ गौर नहीं किया जाता था, इमोशनल लैंग्वेज हमारी नहीं थी कि हम इस बारे में खुल के बात कर सकें और लोग गुजर जाते थे उस चीज़ के अंदर से बिकॉज देयर वाज नो रिकोर्स. कोई और चीज़ नहीं थी टू एड्रेस द इशू और ना ही समझ थी बात की. इसका ये मतलब नहीं है कि नो वन सफर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम इधर. मेरा जो एक्सपीरियंस है फील्ड में काम करते हुए, अब 10 साल होने को आ रहे हैं, तो दैट सेज अदरवाइज. बहुत सी जो पर्सनालिटी के ऊपर जिस अंदाज़ में छाप छोड़ जाती है ये चीज़, मुझे अपने काम के ज़रिए देखने में मिली है. तो सेंसिटिविटी की बात ये नहीं है, दिस इज़ अ रिपेटिटिव इंटिमिडेटिंग बिहेवियर जो कि हार्मफुल है ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स. और अगर किसी के साथ भी होता है, अगर 10% भी चांस है कि डेवलपमेंटल ईयर्स में ख़ास तौर पर स्कूलिंग लाइफ में अगर किसी के साथ होता है तो यू नो नो वन वुड वॉन्ट टू सकम टू इट. नो वन वुड वॉन्ट कि मतलब वो 10% चांस भी इट कम्स टू लाइफ. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे सारी गुफ्तगू करने के बाद लगता है कि बड़ी अहम है, जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मतलब एजुकेशनलिस्ट की अप्रोच है जो कि गुफ्तगू करने के बाद सामने आई है. बहुत से लोगों से अब मुझे मौका मिला है बात करने का, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, पब्लिक इंस्टीट्यूट से जो आते हैं, और एक थेरी या एक लाइन ऑफ थॉट जो मुझे काफ़ी कॉमनली सामने नज़र आई है वो ये कहते हैं कि हम लोग इसे कहते हैं कि पेरेंट्स की डिमांड के मुताबिक चीज़ें करते हैं. पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आजकल इतनी रिपेसिटी ऑफ एम्बिशंस बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी, कि वो कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा हमें ग्रेड्स लेने हैं, तो हमारी सारी तवज्जो जो है उस चीज़ पर मरकूज़ होती है. पेरेंट्स की डिमांड ये होती है कि जी स्विमिंग पूल हो जाए या फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बच्चों को सारी हाई एंड मिले, तो ऑन इंस्टीट्यूट जो है इस चीज़ पे ध्यान देती है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. लेकिन अगर सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है तो फिर यू नो दैट्स अ प्रॉब्लम. और अगर ये रैशनल है कि जो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं उसके मुताबिक अपने इंस्टीट्यूट का मंतक जो है उसको चलाएं, तो फिर दैट इज़ यू नो अ बिग कनंड्रम टू रिजॉल्व एज वेल. क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, व्हाट डू यू वांट टू इंस्टिल इन द चाइल्ड, आपका इंस्टीट्यूट कैसे वैल्यू ऐड करेगा, और यू नो व्हाट डू यू स्टैंड बाय, वट आर द वैल्यूज़ द प्रिंसिपल्स. अगर इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, अगर अपनी पेडागोजिकल अप्रोच आपको नहीं मालूम है, तो फिर यू नो यू आर डूइंग अ डिसर्विस. और मतलब दिस इज़ अ वेरी सॉरी टू से बट अ वेरी टॉक्सिक अप्रोच दैट सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टेक. ये तो एक तरह से वो कैपिटलिस्टिक डिमांड सप्लाई के हम गैप को मतलब कर रहे हैं केटर. बट एट द एंड ऑफ द डे अगैन, दिस इज़ नॉट टू डू विद एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पर्टिकुलर. बहुत सी
प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एज अ होल वी नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट वैल्यूज़ वी आर ट्राइंग टू इंस्टिल। अच्छा, तीसरा जो मौजू है जिस पर थोड़ा समय और करना चाहूँगा वजाहत, बहुत से लोग कहते हैं कि जी घर पे आपकी सबसे पहली दर्शका होती है, माँ की गोद जो है वो सबसे पहली दर्शका है और वहाँ से अच्छी वैल्यूज़ आनी चाहिए, एंड दैट्स वेरी राइट, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज़ कि ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ब्रोकन होम से आते हैं, घर पे वो वैल्यूज़ नहीं इंस्टेल की जाती जिनकी ज़रूरत है। व्हाट डू वी डू अबाउट देम? व्हाट आर वी डूइंग एज इंस्टीट्यूट्स, एज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स टू रेमेडी दैट सिचुएशन? हम क्या कर रहे हैं अपने एंड पे? हम इस सिचुएशन को कैसे मतलब रिफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों को कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट दे गेट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एटलीस्ट आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। ऐसा नहीं होगा कि हर बच्चे के घर पे जो सूरत हाल है वैसे कारसाज है टूवर्ड्स यू नो इमोशनल ग्रोथ या जनरल एकेडमिक ग्रोथ एज वेल। तो फिर अगर हम हाथ पीछे हटा लेते हैं और ये कहते हैं कि जी घर से रेफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, घर पे हमें चाहिए कि पेरेंट्स अपना रोल अदा करें, तो हाँ अच्छी बात है करने की, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी कांट मेक चेंजेस देयर। अगर हम बात करते हैं कि हम बड़ी सतह पे भी चेंजेस लेके आएँ, पॉलिसी को बदलें, रिफॉर्म्स लेके आएँ, ऑर्डिनेंसेस पास हों, तो वी कैन नॉट टारगेट द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज़ द हाउस होल्ड। ठीक है, बंद दरवाज़ों के पीछे क्या होता है, हम वे आर नॉट प्रिवी टू इट, वे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, दैट शुड बी कॉमन नॉलेज। जब कोई जाता है पूछता है कि जी इस इंस्टीट्यूट में आपको को क्या मिलेगा एज अ स्टूडेंट, तो जवाब क्लियर होना चाहिए। तो मतलब सम ऑफ दीज इश्यूज़ आई फील के ये प्लेड आउट कॉन्वर्सेशंस अब हो चुकी हैं एंड वी शुड मूव बियॉन्ड इट। बात अब इसकी होनी चाहिए कि व्हाट हैज़ टू बी डन। आइडेंटिफाई हम सब ने कर लिया, बुलिंग इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? प्रैक्टिकल अप्रोचेस चाहिए टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स बेटर। अब मैं क्योंकि एक इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हूँ, तो वहाँ पे भी काउंसलिंग सेंटर है जो हम चलाते हैं, और बहुत से बच्चे हैं यूनिवर्सिटी गोइंग जिनके साथ काम होता है, कॉलेज गोइंग जिनके साथ काम होता है, लेकिन बात यह है कि हर इंस्टीट्यूट इस तरह से नहीं कर सकता। पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की खास तौर पे बात करें, जहाँ पे बच्चे 500-500 रुपये की फ़ीस दे के पढ़ रहे हैं, 1000-1000 रुपये की उनकी फ़ीस होती है, वहाँ पे हाउ कैन वी हैव अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एफिलिएटेड विद द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ? तो जो चेंजेस हमें चाहिए वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। इसमें रोल ऑफ कोर्स है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का, इसमें रोल बड़ी सतह पे ही चाहिए होगा। गवर्नमेंट नीड्स टू गेट बिहाइंड द आइडिया कि ना सिर्फ बुलिंग बल्कि और जो इमोशनल इश्यूज भी हैं, जो डिस्टर्बेंसेस कॉज करती हैं, उनकी मतलब इस्तलाह के लिए, उनकी इस्लाह के लिए इनफैक्ट हमें किस तरह से काम करना है। तो मैं यही चाहूँगा कि वी नाउ गेट बियॉन्ड सम ऑफ दीज प्लेड आउट कॉन्वर्सेशंस एंड वी टॉक अबाउट एक्चुअली हाउ टू एड्रेस इट। ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, yes, कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग्स का फ़ायदा है, क्या पर्पज़ है, दैट शुड बी डिस्कस्ड। वी शुड गो बियॉन्ड यू नो द थिंग्स दैट एवरी अदर पर्सन ऑन द स्ट्रीट माइट से। सो सही लोगों को आने की ज़रूरत है आगे, ताकि सजेशंस भी ऐसी मिले जो फ़ायदा पहुँचाए टू द सिस्टम एज वेल। ठीक है, सो वी नीड टू सिट टुगेदर एज आई थिंक एजुकेशनलिस्ट, एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हैव दिस डिस्कशन, चाहे गवर्नमेंटल लेवल पर बात हो, चाहे ऑन अ स्मॉलर लेवल ये डिस्कशन हो, बट रिफॉर्म्स नीड टू बी मेड।